Hi guys, welcome to your favorite YouTube channel, Facial Care on Self. Guys, friends, आज मैं एक बहुत ही बेहतर फेस पैक लेके आई हूँ जिसको यूज करने से आपका स्किन व्हाइटन बनेगा, आपका स्किन में कोई भी स्पॉट है तो रिमूव होगा और आपका स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो वो भी रिमूव करेगा। पर फ्रेंड्स, ये बात नहीं है कि आपका स्किन ड्राई है आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा बहुत चेंज ही करना है। तो मैं दिखा दूंगी, तो कोई भी इस पैक को यूज़ कर सकते हैं आपका स्किन टोन को लाइटन करने के लिए और फेयर बनाने के लिए। यानी ऑयली स्किन जिनको है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जिनको ड्राई टू नॉर्मल स्किन है वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं फ्रेंड्स आज मसूर दाल का यूज़ करूँगी। मसूर दाल फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा रहता है स्किन के लिए। इसको यूज़ करने से फ्रेंड्स आपको इंस्टेंटली आपका स्किन टोन ये लाइटन करता है और आपका स्किन में जो स्पॉट रहता है उसको भी रिमूव करता है और आपका स्किन का एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस पैक को बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है और इसको कैसे यूज़ करना है। इसको बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं अपने ऊपर इसको अप्लाई करके इसका लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। पर फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देखिए मेरे वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी उसको आप देख पाएंगे। और सब्सक्राइब बटन के पास ही देखिए एक बेल बटन भी है, उसको भी क्लिक कीजिए क्योंकि उसको क्लिक करेंगे तो मेरा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत बाद ही आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स एकदम फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और सब्सक्राइब करने का फ्रेंड्स और भी एक बेनिफिट है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके साथ मेरा रिलेशन जुड़ जाएगा, आप मेरे फ्रेंड बन जाएंगे और आप कोई भी ब्यूटी रिलेटेड जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दिखाने के लिए। तो जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड बना लीजिए। तो अभी चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है और इसको कैसे यूज करना है। लेट्स गो एंड चेक आउट द वीडियो। ये है मसूर दाल का पेस्ट। तो आपको ऐसे मसूर दाल को ग्राइंडर में पीस लेना है। मसूर दाल को आपको रात भर पानी में भिगो के रखना है, सुबह उठ के इसको ग्राइंडर में पीस लेना है। और पीसने के बाद इस पीसा हुआ पेस्ट ही इस ये पैक बनेगा। और इसके साथ आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी और लेना है रोज़ वाटर। फ्रेंड्स इस पैक को आपका स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर के साथ मिक्सिंग करिए और आपका स्किन ड्राई टू नॉर्मल है तो आप मिल्क ऐड कीजिए। इसमें कोई भी मिल्क इसमें ऐड करके इस फेस पैक को बनाइए। तो चलिए अभी मैं ऑयली स्किन के लिए बना के दिखा रही हूँ। आपका स्किन ड्राई टू नॉर्मल है तो आप मिल्क ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड करके ऑयली स्किन के लिए बना के दिखा रही हूँ, सिर्फ यही फ़र्क है। इसके सिवा ये जो भी है ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपको लेना ही है, यानी मसूर दाल का पेस्ट और मुल्तानी मिट्टी। इसके लिए आपको एक चम्मच मसूर दाल का पेस्ट लेना है, मुल्तानी मिट्टी भी ऐड करना है एक चम्मच। मैं फिर से बोल रही हूँ ये ऑयली स्किन के लिए बन रहा है इस फेस पैक। आपका स्किन ड्राई है तो आप इसमें मिल्क ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ही रोज़ वाटर लगेगा ताकि ये पैक एक ठीक पैक हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसका कॉन्सिस्टेंसी ऐसा होना है, देख लीजिए। तो मैंने इसको मिक्सिंग कर लिया है, अभी मैं इस फेस पैक को अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये फेस पैक फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, ये 100% काम करता है आपका स्किन को और भी फेयरर बनाने के लिए और आपका स्किन में कोई भी स्पॉट है तो उसको रिमूव करने के लिए और आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ऑयलनेस को रिमूव करने के लिए। और जिनका भी ड्राई स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसमें आपको रोज़ वाटर की जगह मिल्क ऐड करना है। और इसको अभी मैं अपने ऊपर अप्लाई करके इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। तो इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए और इस टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई भी कीजिए। तो चलिए अभी देख लेते हैं इसको अप्लाई करके।
हाय गाइस फ्रेंड्स, अभी मैं इस फेस पैक को अप्लाई करूंगी। पहले मैंने चेहरे को धो लिया है, यानी आपको पैक को अप्लाई करने से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद ही पैक को अप्लाई करना है। अभी मैं पैक को अप्लाई कर रही हूं। इस पैक को लगा के फ्रेंड्स आपको अपने चेहरे पे जब तक ना पैक ड्राई हो तब तक रख देना है, और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेना है। ये फेस पैक फ्रेंड्स आप हफ्ते में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं। आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इस फेस पैक को हफ्ते में 5 दिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, इसको रिमूव करते ही इस फेस पैक का रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलेगा, क्योंकि ये आपका स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करता है। और इसको आप रेगुलर यानी मेंटेन करके अप्लाई करेंगे, रीअप्लाई करेंगे तो देखिएगा 1-2 हफ्ते के बाद ही आपका स्किन टोन बहुत हल्का हो गया है। तो देखिए मैंने पैक को लगा लिया है, अभी मैं इसको रख दूँगी ड्राई करने के लिए, उसके बाद मैं इसको आप ही के सामने धो के दिखाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पैक मेरा फुल ड्राई हो गया है, अभी मैं इसको धो लूँगी। इसको धोने से पहले आपको फिर से थोड़ा सा पानी से पैक को सॉफ्ट कर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का रब करके आपको धो लेना है। पर आपका स्किन में एक्ने और पिंपल है तो रब मत कीजिए, सिर्फ धो लीजिए। तो मैं अभी इसको आपके सामने धो के इसका इंस्टेंट रिजल्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं इसको पोंछ भी लूँगी अच्छे से धोने के बाद, ताकि आपको पूरा ठीक तरह इसका रिज़ल्ट नज़र में आए, आप देख पाएँ इसका रियल इफ़ेक्ट। देखिए मैंने पोंछ भी लिया है, पोंछने के बाद देखिए मेरा स्किन कितना ब्राइट हो गया है, और मेरा स्किन में थोड़ा भी ऑयल नहीं है, एकदम ब्राइट हो गया है। मेरा स्किन टोन बहुत हल्का भी हुआ है। तो इस पैक को ज़रूर अप्लाई कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। वीडियो देख के कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक देना एकदम ही मत भूलिए, और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टिप्स को आप जरूर ट्राई कीजिए, तो आपको मेरे से भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं इसको एक ही दिन अप्लाई करके आपको दिखाई हूँ। आप इसको मेंटेन करके अप्लाई करेंगे, ऐसे मैं बोली हूँ, ऐसे ऐसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेरे से भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना तो एकदम ही मत भूलिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो रिसर्च करके आपके लिए लाती रहूँगी। Okay friends, thanks for watching. Bye and take care.